हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हैंग करता है या लैग करता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों वीडियो मैंने बनाया सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, अगर एंड्रॉयड आपका डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल जो एंड्रॉयड आपके पास है, जो मोबाइल वो एंड्रॉयड है, ठीक है, तो ज़्यादा हैंग और लैग करता है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करो। ओके दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ये है कि होता क्या है, एक्चुअल हैंग कैसे करते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हैंग इसलिए करता है, फॉर एग्जांपल हम तीन चार एप्लीकेशन ऑन कर देते हैं, ठीक है, चालू करके छोड़ देते हैं, उससे हम काटना भूल जाते हैं कि डायरेक्ट क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, टैक्स मैनेजर से। तो क्या होता है कि वो रनिंग करता है बैकग्राउंड में, तो इसलिए जो हमारा रैम रहता है वो रैम फुल हो जाता है। इसकी वजह से जब हम कोई दूसरा नया एप्लीकेशन चालू करते हैं तो वो भी एप्लीकेशन लैग करता है, और जो पहले का जो एप्लीकेशन चालू रहता है उसकी वजह से सब हैंग कर देता है पूरा डिवाइस। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लॉक कर देते हैं, फिर लॉक करके देखते हैं, उसे ओपन करते तो भी हमारा डिवाइस लैग करता है, ठीक है। तो लैग करने की वजह यही रहता है कि जो हमारा रैम रहता है वो रैम फुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी मोबाइल में 2 GB, 3 GB, 4 GB ऐसे रैम रहता है, ठीक है, कितना भी GB रैम हो, लेकिन दोस्तों अब जब एप्लीकेशन आप चालू करके छोड़ देंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपका रैम वो फुल हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका CPU पे लोड रहता है वो लोड पूरा का पूरा पड़ता है, इसलिए आपका मोबाइल ज़्यादा का ज़्यादा हैंग करता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता दूँ। दोस्तों हर एक एंड्रॉयड में ऑप्शन रहता है, ठीक है, और आप जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा अबाउट फोन में, ठीक है। अबाउट फोन में जाने के बाद वहाँ पे देखिए बिल्ड नंबर लिखा रहेगा, अगर MIUI आप चला रहे तो उसपे लिखा रहेगा MIUI वर्जन, ठीक है। आपको उस पर 8 बार टैप करना पड़ेगा। जब आप टैप करेंगे तो एक आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उस ऑप्शन का नाम डेवलपर, ठीक है। तो डेवलपर में जाएंगे फिर वहाँ पे एक लिखा रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हो वहाँ पे लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है, उसका नाम रहता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है, और वहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है 2 या 3 लिमिट, ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप उसे जब टिप करेंगे, टिप करने के बाद वहाँ पे आपको 2-3 और ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ पे जो एक ऑप्शन मिलेगा वो लिखा रहेगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि दोस्तों हम जो रहते हैं, जो भी एप्लीकेशन चालू करते हैं फिर उसके बाद हम लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टास्क मैनेजर से भी क्लियर हो जाएगा और रैम से भी क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी CPU पे कोई भी लोड पड़ेगा नहीं, तो आपका मोबाइल हैग नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके जाता रहता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।